ऐसा नहीं होता मित्रों। मैं शासन में बैठा हूं, मुझे मालूम है इस प्रकार से रुपया इतनी तेजी से गिर नहीं सकता। अरे नेपाल का रुपया नहीं गिरता है, बांग्लादेश की करेंसी नहीं गिरती है, पाकिस्तान की करेंसी नहीं गिरती, श्रीलंका की करेंसी नहीं गिरती। क्या कारण है हिंदुस्तान का रुपया पतला होता जा रहा है? ये जवाब देना पड़ेगा आपको, देश आपसे जवाब मांग रहा है। हम भी वही मांग रहे थे, आपको जवाब देना पड़ेगा। क्यों नहीं दिए नरेंद्र मोदी जी? क्या बात है? आप जो कह रहे थे, अगर आप सच थे, आप ईमानदार थे, वर्स्ट एवर रूपी वैल्यू हैज गॉन टू सच ए लो, यही कारण हम पूछ रहे थे। क्यों इसका उत्तर नहीं दिए? देना चाहिए ना। जब आप पूछ सकते तो दूसरे भी पूछेंगे ना, क्यों नहीं पूछेंगे? ये लोकतंत्र है या षड्यंत्र है? क्या चला रहा है देश में? नरेंद्र मोदी जी का सरकार लोकशाही को नहीं मानता, तानाशाही को मानता है। लोकतंत्र को नहीं मानते, षड्यंत्र को मानते हैं। हां बिल्कुल, ये कह रहा हूं मैं, और ये देश के सामने है। मैं जो कुछ भी कह रहा हूं सब के 100% सच है। इट्स ए फैक्ट बाय 100%। मैं सीधे ही कहना चाहूंगा, कह रहा हूं और आगे भी कहूंगा, पूरे भारत के इतिहास में इतने कमजोर प्रधानमंत्री कभी नहीं आए, पूरे भारत के इतिहास में। इट इज ए फैक्ट।